हे गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G मोबाइल है या फिर इन्फिनिक्स नोट 12 5G मोबाइल है और आप उसमें चेक करना चाहते हैं कि इसमें OTG सपोर्ट है या नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो है यहां पर चेक करके दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो यहां पर देख पा रहे हो कि मेरे पास एक OTG है और यहां पर एक जो है एक पेन ड्राइव है 32 GB का। तो चलिए इसको हम लगा के देखते हैं इस मोबाइल में। तो सबसे पहले यहां पर सी टाइप है तो इसको हम लगा देंगे, और लगाने के बाद गाइज यहां पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं आ रहा अभी, यानी कि कनेक्ट नहीं हुआ है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च कर देना है OTG। जैसे आप OTG यहाँ पर लिखेंगे तो आपको OTG करके नहीं आ रहा है, तो आपको क्या OTG लिख देना है, और OTG करने के बाद देखिए ऑप्शन आ जाएगा OTG, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करते ही गाइज आपका जो OTG है वो सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि लग जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है वंडर को USB ड्राइव लग चुका है, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ से फाइल पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है OTG में जितने भी सब कुछ होगा वो सारा का सारा यहाँ पर दिख जाएगा। तो OTG को नॉर्मल आप लगाओगे तो नहीं होगा, आपको सेटिंग में जाकर के OTG को इनेबल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर OTG को कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर सपोर्ट भी मिलता है और कनेक्ट भी कर सकते हो।